हाँ भाई, क्या चल रहा? ये मेरे एक बात बताओ, तुम में से कितने लोग मुनव्वर की जनता से और तुम्हें मेरे से जलन क्या है? और तुम्हें तो छोड़ो, मुझे तो अब लगने लग गया कि मुनव्वर को भी मुझसे जलन है। जैसे उसे पता चलता है ना कि इसने वापस मेरे नाम से वीडियो डालनी शुरू कर दी, गायब हो जाता है। अरे ये कहाँ का इंसाफ है माय लॉर्ड, हमें इंसाफ चाहिए। कल मैंने बोला अरे झूठी तारीफ करो बट करो, अरे तुम झूठी तारीफ ही करने लग गए। भाई मैं तेरे लिए देख रहा हूँ, अब ठीक है? अरे इतना जलील कौन करता है? ले मुनव्वर की जनता भी लाइक। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ तो कुल मिला के मुनव्वर ने क्या पोस्ट किया कि हैदराबाद मुझे जानता है। क्यों? क्योंकि 3 मिठाइयाँ पड़ी थी खाने के लिए। अरे बस करो भाई, कितना खाओगे? और खा रहे हो, खाओ, बट खाने से पहले, ये मिठाई खाने से पहले खाया क्या वो भी बताओ। मैं यहाँ पे रिपोर्ट करेगा, हर चीज रिपोर्ट करेगा। कच्छा क्या पहनते वो भी बताओ मेरे को, बताना है मुनव्वर की जनता को, देखो इस कलर का कच्छा पहना है। कुछ भी अभी तुम बोलो, ये क्या घटिया बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। बाकी मुनव्वर की साइड से और कुछ नहीं है, उसने एक पोस्ट डाली है एक और, जहाँ पे 24वां दिन है, पता नहीं 2 बंदे हैं जो शूटिंग वूटिंग कर रहा है, वो अपडेट देते रहते ना फर्स्ट कॉपी की, तो उतना अपडेट दिया है। बट कल मेरे को ट्विटर पे एक चीज मिली जहाँ पे मुनव्वर फारूकी बिग बॉस जाके, मतलब पहले ही फेमस था केस वेस और ये कॉमेडी के चलते में, फिर लॉकअप की वजह से फेमस हो गया जैसे गेम खेली, और फिर बिग बॉस ने उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर इतना बवाल मचा दिया, तो बाकी जो स्टैंड अप है वो हर, मतलब हर दूसरा बंदा स्टैंड अप में मुनव्वर को वो पर्सनल वाला पार्ट जो है बंदीबाजी वाला वो यूज करता ही करता है। तो कोई बंदा है अक्षत करके, उसने कंपाइलेशन डाली, मतलब पहले तो उसने डाला उसका क्या नाम है उसका, वो पढ़ाकू बंदा जो दिखता है यार, अरे जो कॉमिकस्तान जीता था, नाम भूल गया इस बंदे का मैं। एक जेल गया वो अब बिग बॉस में है, हमारा मूड खराब है। इतना बुरा किसी के साथ ना हो, देख रहे हो इस बंदे की तारीफ करी है मैंने। क्या नाम है यार, सोलंकी नाम है इसका, कुछ सोलंकी करके, इसका रोज शो आ रहा था तब से याद है मेरे को, आगे सच में ना याद नहीं आ रहा, बट बंदा टैलेंटेड है। बंदे का नाम याद नहीं, बंदे के जो कांड है उस पे जोक चल रहा है, बंदे को चेहरे से जानता हूँ, नाम से नहीं। इस बंदे, जिस बंदे के बारे में बात हो रही है उसको चेहरे से भी जानता हूँ, उसकी पर्सनल लाइफ से भी जानता हूँ, उसके काम से भी जानता हूँ, उसके म्यूजिक से भी जानता हूँ, मल्टी टैलेंटेड। साइड में मुनव्वर बोल रहा होगा कई करियर बनाए मेरी गलती ने। अब इसके बाद जो 3 आने वाले हैं, 3 में से मैं बस एक को ही जानता हूँ और वो एक बताया होगा तुम्हें। अभी देखो ये सोलंकी ने क्या, ठीक है, अब ये बंदा कौन है? इट्स नॉट लाइक रिलेशनशिप्स कि आप 4 बंदियां साथ में बनाओ और फिर चूज करो कि आपकी सोलमेट कौन है। अबे क्या हो गया तुम लोगों को, यही ट्रिक है अपनी सोलमेट। कभी ये मत करना कि एक बंदी बनाई फिर ब्रेकअप फिर नई बंदी, ऐसे कभी नहीं पता चलता, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी चेंज होती रहती है विद टाइम, तो आपको एक टाइम पे लगेगा कि आपकी दूसरी बंदी अब आपको समझ पाती। ये इसमें ये 4 साथ में बनाओ, 4 बंदियां साथ में बनाओ और उसमें से एक सोलमेट चूज करो जो आपके लिए बेस्ट है, यही मॉडल है, इसको मुनव्वर मॉडल बोलते हैं। ये मुनव्वर का लॉ बना दिया इसने, मुनव्वर रूल्स। अरे हमारे दिल में रूल करता है, तू अपने स्टैंड अप में क्यों यूज कर रहा है बे? मैं नहीं बताऊंगा। और चौथा जो अभी हम बात कर रहे हैं, पूरा झा, अभी मैंने कल ही बोला था पूरा झा की पूरी वीडियो में 3-4 बार बंटाई पे शॉट लिए गए हैं और मुझे लगा कि अननेसेसरी था और मुझे लगा कि ये किंग की साइड से हो गए हैं, क्योंकि रफ्तार, समय रहना, ये सब एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, एक ही साथ एकजुट हो रखे हैं। मैं तो मीम प्ले करने वाला था कि बंटाए इस सिचुएशन में जहां पे भी ड्रामा होता है बंटाए हमेशा अकेला होता है और बाकी सब गैंग अप हो जाते हैं उसके ऊपर। रैप, हार्ड रैप, सॉफ्ट रैप, पनीर रैप, आगे रैप, पीछे रैप, सोते सोते रैप, जगते जगते रैप, हकते हकते, नहीं यार वो तो एमवे करता है ना भाई। अभी ये जो चीज थी जो मैंने बोला और जो देखी तुमने, ये बहुत सारे लोगों को फील हुआ कि बंटाए को तुम अननेसेसरी टारगेट कर रहे हो, क्योंकि थ्रू आउट द वीडियो हमें बंटाए का रेफरेंस लिया गया है। बट इसके बाद पूरा झा ने एक ट्वीट मारा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के सपोर्ट में नहीं है, और ये जितने भी जोक्स बंटाए के ऊपर हैं वो मैंने बंटाए से परमिशन लेके करा है। अब मैं देखो सेम चीज़ मुनव्वर के टाइम पे भी बोलने वाला था, इसलिए मैंने नहीं बोली, अब बोलेंगे कि मुनव्वर के ऊपर जोक्स हो रहे तो मुनव्वर को मालूम है और मुनव्वर बोलता भी है कि जोक्स मजा आना चाहिए, चाहे किसी के भी उस पर हो बट मजा आना चाहिए, तो वो जोक्स हैंडल करता है, वो ओपनली बोलता है कि मजाक होना चाहिए, मजे होने चाहिए। अभी बंटाई को मालूम है, बंटाई ने परमिशन दे दी, तो पूरा झा को टारगेट करके कोई फायदा नहीं है। और प्लस झा मैं भी झा ही हूं, चलेगा खर कर कर रहा कुछ भी। बट कल मुझे थोड़ा सा लगा था ये पर्सनली भी कि बंटाई को ज्यादा ही हो गया, बट बंटाई ने अप्रूवल दे दी तो फिर मैं क्या बोलूं, तो आगे बढ़ जाएंगे हम। अब आगे बढ़ेंगे तो किस पे जाएंगे, हर्ष बेनीवाल पे, क्योंकि पूरा झा की बात हो रही है। अभी पूरा झा ने एजाज खान की मिमिक्री करी थी, उस पर उसकी माँ बहन को गाली दे दी थी एजाज खान ने, तो फिर छोटे भाई को गाली पड़ेगी तो बड़ा भाई नहीं आएगा,
तो बड़ा भाई भी आया। तो इन दोनों ने मिलके एजाज खान और पूरब झा की एक वीडियो डाल दी, टीजर डाल दी, जो हर्ष बेनीवाल की अगली वीडियो होने वाली है। जब बात नहीं बनी हेर फेर से तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। ये बड़ा शेर है और इससे आज मैं लड़ाऊं, तो बोला था ना इसको मुंबई ले गया आऊंगा और इससे सॉरी बुलवाऊंगा। हाँ। तो बेटा पूरा हाँ। मेरा बेटा है तू, बताया था मेरा बेटा, मेरे फैन लोग को मास्क उतार के सॉरी बोल। मास्क है ही नहीं, मैं बता, देखो सॉरी मैं बोलूंगा या नहीं बोलूंगा वो आपको वीडियो में पता लगेगा, ठीक है? तो वीडियो आ रही है जल्दी इनके चैनल पे, वो देख लेना। सही बोला ना भाई? ओची बोलते हो, एक नंबर। अब इस पे एजाज खान गुस्सा हो गया, एजाज खान गुस्सा हो गया, इस पे कमेंट किया उसने, बेटा मैं तुम दोनों का बाप हूँ, जो वीडियो में तुम खुद बोल रहे हो, और अच्छा है यू लिव इन मुंबई, मुलाकात तो हो ही जाएगी। कितना बेल्ला है तू है, हर कोई आके तेरे को झाड़ के जाता है, और कितना बाप बन रहा है, कोई बंदी तेरे को देती नहीं भाव, और तुझे बाप बनना है, जाके अपने बच्चों का बाप बन आइडल। चले ऐसे बात तो लवारी से होना ठीक है इससे, तो अभी तुम समझ रहे हो मैं एजाज खान को सीरियस लेता ही नहीं। अरे यार बंदे थोड़ा तो ऐसा होना कैलिबर या पोटेंशियल जिसकी मैं तारीफ करूं। ये बच्चों वाली हरकतें करके CLWL अपने आप को स्वैगी समझ रहा है। अबे जाना वो नबी सलमान खान, अभी इस पे मेरे से करता मैं तो झाड़ता ही रहता हूँ, मेरे को भाई बिल्कुल पसंद नहीं आदमी, वो आदमी ही पसंद नहीं है मुझे वो। और रिसेंट टाइम में ही हुआ, पहले मैं थोड़ी इज्जत करता भी था उसके एज एन एक्टर, बट अभी जैसी बातें करता है ना वो भाई बिल्कुल पसंद नहीं आता मुझे। कि तेरे से आधी उम्र के बंदे हैं, तुझे मालूम है वो क्या कर रहे हैं, कॉमेडी करने की कोशिश, तेरे को कहीं से भी इल इंटेंशन में बुरा वो देखते नहीं है, बुरा चाहते नहीं तेरा, और तू साला हमेशा वही गुंडा बनने की कोशिश में, डिवाइड एंड रूल वाली चीज भाई पॉलिटिशियन को करने से तुम मत करो, भाईचारे की बात करो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हंसी मजाक ही तक लो। तो इस पे अगर मैं होता तो मैं तो गुस्सा हो जाता जैसे तुम देख रहे हो, बट हर्ष बेनीवाल वो बंदा सही है, हर्ष भाई अपना दिल्ली का है और दिल्ली से बीसी बड़े प्यार से मजे लेके गया है। सर ये सब तो मैंने आपका रिप्लाई पाने के लिए किया था, पूरा आपको जहां मिले कूट देना, बिग फैन सर, ओची आर्मी जिंदाबाद। मैं भाई साहब एजाज की जगह पे होता मुझे ये रिप्लाई मिल रहा, मैं वीडियो डाल देता अपनी ऑडियंस का नाम ओची आर्मी। ये पकौड़ा इसको भी नेगेटिव लेके जाएगा। अभी ये सब हुआ तो इसके बाद सबने एक है ना ट्विटर पेज घर के कलेश, उसने पोस्ट कर दिया और कलेश बिटवीन हर्ष बेनीवाल एंड एजाज खान। मैं कहा क्यों भाव दे रहा है, कलेश ऑफ हर्ष बेनीवाल बोलता ज्यादा टेंशन मिलती, चले उस पर तो इंगेजमेंट कम हो जाती है। तो उस पर फिर हर्ष बेनीवाल रिएक्ट किया कि भाई सार्केज्म नहीं समझ रहे रिप्लाई का। मैं कहा ये एजाज खान का चेला है, इसको बस कलेश देखना होता है, आगे पीछे तो मतलब नहीं, कलेश दिखावे से। बात तो सही है। सेम चीज ने ट्विटर पे करी और सेम चीज इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी कि लोगों को सार्केज्म समझ में नहीं आता और फिर रोस्ट नहीं फ्राई करूंगा। ये उसका 2020 आमिर सदीकी का डायलॉग बना के पीला हुआ है, और ये पता नहीं सारी ये न्यूज चैनल वाले, अरे बहुत गंदा रोस्ट, अरे चल ना इतना गंदा करता भी नहीं, मजेदारी होता है वो, जोक्स में ही होता है, वरना वो उससे भी गंदा कर सकता है, हमें मालूम है भाई दिल्ली से हम सब, हमें हमारे जोक्स की वैल्यू मालूम है, हम कहाँ तक जाते हैं, वी डोंट हैव लिमिटेशंस, साले हम बोलते नहीं खुल गए, वरना तुम हमें क्रिमिनल साबित कर दोगे, सॉरी क्रिमिनल। ओची गैंग जिंदाबाद, कमेंट होने चाहिए, अगर तुम ओची गैंग हो लाइक दिस वीडियो, कमेंट ओची गैंग। कौन है महाराज से ओची गैंग, कमेंट करो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बंटाई, बंटाई की बात कर रहे थे हम लोग, बंटाई का डिश फिर नहीं आया, कहाँ गए वो सारे लोग, जाने वो कैसे लोग थे जिनके भ्रम को सच्चाई मिला, अभी तक नहीं आया डिश। एक ट्विटर पेज है राउंड टू बंटाई, वो भी बंटाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता है, उसने ये पूछ के वेटिंग फॉर डिश एमी बंटाई डिश। मैं कहा हम सब यही हैं, हम सब जया बच्चन बने पड़े हैं, थाली लेके दिया सजा के वेट कर रहे हैं, वो शाहरुख खान बनने को तैयार ही नहीं, नाम शाहरुख है, अरे बनो ना, हमें जया बच्चन क्यों बना रखा है। बाई गॉड दो ही फैंडम ज्वाइन करी है मैंने, MKJ और BKP, और ये दोनों ही ऐसे बंदे ना जिन्होंने मेरे को सच में जया बच्चन बना रखा है या बीना भाभी बना रखा है, गरम करके ठंडा छोड़ देते हैं। अरे दे दो भाई कंटेंट, वीडियो बनानी है, ज्ञानी चल नहीं रहा मेरा, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हाँ इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एलविश यादव वर्सेस फुकरा इंसान शुरू हो गया फिर से, अब पता नहीं ये क्या कहानी है, किसी ने तो मतलब एलविश की आर्मी की जो जर्सी है ना वो ब्लू कलर की है, तो इसे मनोवर की जनता ने हार्पिक बना दिया। अबे हार्पिक कीटाणु मारता है, ये वो हार्पिक है जो कीटाणु को बढ़ावा देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे गुंडों की टीम बनानी तहजीब नहीं है, बोलने का तमीज नहीं है, तो ये स्टेज पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें पता ही नहीं। मैं कहा इतना बुरा तो बोला भी नहीं यार, इन्होंने कुछ ज़्यादा किया भी नहीं है,
बस कटारिया की क्लिप आई है जहां पे बोलता है कि हमें तो आदत है जीतने की। सारी एमकेजी पहुंच गई, एमकेजी पहुंच गई। अरे भाई याद दिला दूं, बिग बॉस में निकल गया था तू, जीता नहीं था, एलविन जीता वो भी एक ही बार। चुप रहे, गजब बेइज्जती है। अभी कोई लोकेश मीना है फुकरा इंसान की टीम में जो अच्छा क्रिकेटर है ऐसा सुनने में आया, तो एलविश का डीएम गया उसको कि भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो। ऐसा जासूस किंग ने पोस्ट किया, लोकेश ने भी पोस्ट किया कि देखो ये सेटिंग बेटिंग शुरू हो गई इसकी, लेना चाह रहा है। और इसमें जासूस ने दो तीन ट्वीट कर दी, फिर एलविश भी पागल हो गई कि अरे तुम कुछ भी बोल रहे हो। मैं कहा एक बात बताओ, तुझे मालूम है लोकेश मीना दूसरी टीम में है, तुम्हें क्या करना उसके साथ, तुम अपने गवारों के साथ सॉरी बदतमीज लोगों के साथ खेलो ना, नहीं सुनना ही नहीं है। वहां पे एलविश यादव उसका टैलेंट चुराना चाह रहा है, और यहाँ पे लवकेश कटारिया ने उसका कंटेंट चुरा लिया। अभी वो सना मकबूल और विशाल पांडे के साथ गेम रूम बनाया उसने, पूरा पूरा फॉर्मेट उठा लिया, कहते अभिषेक मलन की कॉपी। अरे आन दो यार, व्यूज आन दो, मेरे तो आ नहीं रहे, उनके ही तो आन दो कम से कम। बट इसके बाद फिर लोकेश मीना ने बोल दिया कि भाई देख अपना सिंपल जाए, अपन खेलेंगे फुकरा इंसान के साथ अभिषेक मलन के साथ। मैं कहा शाबाश शाबाश बेटा। हाँ बाकी किसी ने कल बोला मेरे को कि अभी टिकट बिकना शुरू नहीं हुआ, तो जब भी हो मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है, या ट्विटर पे। तो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ कल। अभी जा रहे हैं 2000, तुम में से कौन है जो 2000 में पैदा हुए, 2000 से 2010 के बीच में, उसी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं ज्ञानी पे, तो देखना हो तो देख लेना, वहाँ पे आ चुकी होगी। कल इतनी सही वीडियो बनाई टिंडर डेट के लिए, साले सबके सब सिंगल मरेंगे, कोई गए नहीं देखने के लिए, भाई हमारे पास लड़की नहीं, हम क्या देखेंगे करेंगे। अरे मेरा चैनल चलवाओ यार, लाइक करो ये वीडियो, चलो पीस आउट।